दोस्तों, अगर आप वी सिम की इनकमिंग कॉल चालू करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आपने वी सिम की इनकमिंग कॉल को बंद कर दिया है और दोस्तों अब आप उसको चालू करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, वी सिम की इनकमिंग कॉल को चालू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में डायलर को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप डायलर को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको ऊपर की साइड में 3 डॉट मिलेंगे, आपको इसमें क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, तो आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेटिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा कॉल सेटिंग्स का, तो आपको कॉल सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कॉल सेटिंग में क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा कॉल फॉरवर्डिंग का, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिम सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें भी आपका वी सिम लगा हो या वी आई सिम लगा हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है अगर आपको वी आई सिम की इनकमिंग कॉल को चालू करना है फिर से। और दोस्तों, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज फॉरवर्ड का। तो दोस्तों, जैसे आप ऑलवेज फॉरवर्ड में क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर वो नंबर दिखाई देगा जिस पर आपने कॉल फॉरवर्ड की है, तो आपको इस नंबर को यहाँ से कट कर देना है। तो जैसे ही आप इस नंबर को कट कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट, ऑफ, कैंसिल। तो दोस्तों, आपको वी सिम की इनकमिंग कॉल चालू करनी है तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफ का, तो दोस्तों आपको ऑफ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और जो आपकी वी आई सिम की इनकमिंग कॉल है वो फिर से चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप वी सिम की इनकमिंग कॉल चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।